वेलकम टू नेट मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेकर आई हूँ बहुत सारे स्टूडेंट है जो मतलब बहुत सारे टाइम से जब से टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हुई है तब से रेगुलरली मेरे पास में एक कमेंट आ रहा है चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम हो चाहे कहीं भी हो लाइक like, ऐप पर भी जे एफ अड्डा जो ऐप है उस पर भी रेगुलर एक ही कमेंट है जो बच्चे का आता है वो ये है कि मॉक टेस्ट के अंदर उसके अगर नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए या फिर रेगुलरली मैम हम बार बार टेस्ट दे रहे हैं बट हमारे जो मार्क्स है वो कम ही होते जा रहे हैं क्यों हम ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे है? या एक पॉइंट पे जाके क्यों स्टेग्नेट हम लोग हो जाते हैं और इन सब चीजों को लेकर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कोशिश करी है कि एक फ्रेम में आप लोगों को बता सकूं सो देट आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पर हो सके तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आज आप लोगों को मिलने वाला है अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए वीडियो अगर आपको लगे कि जेनुअन है मेहनत की हुई है तो एक लाइक like और एक कॉमेंट आप लोग इस मेहनत के लिए कर सकते हैं सो देट जो बच्चा कॉमेंट पढ़ के वीडियो को देखने के लिए सोच रहा है तो उसको भी थोड़ी हेल्प हो सके कि जेनुअनली यहाँ पर कोई फालतू बात नहीं डायरेक्ट आपके काम की चीज हो रही है चलेगा तो मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट के अंदर हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में होता है ऐसा नहीं है। सभी के साथ में ये होता है चाहे वो मैं हूं या आप हो या कोई भी बच्चा हो जो एग्जाम दे रहा हो सबसे पहली बात तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज होती है कैटेगरीज वो होती है जो पेपर दे रहे हैं एग्जाम के प्रिपरेशन करने के बाद इसमें दो और फर्दर कैटेगरीज हो सकती है वो कि जिनका ऑलमोस्ट लाइक फिफ्टी परसेंट प्लस तैयारी है या वो लोग हो सकते हैं जिनकी जो तैयारी है वो लाइक कभी नई नई तैयारी है

है ना वो दूसरा क्वेश्चन टॉपिक गलत कर रहा हूँ तो ये चीज को कैसे ओवरकम हम करें उसको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लगता है जो हम रिसर्च में भी पढ़ते हैं वो क्या है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बेटरली की सबसे पहले प्रॉब्लम ढंग से समझो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा

मैं कुछ भी कर लूं आपको उसका आंसर नहीं आने वाला है एग्जाम के अंदर लाइक like, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है बट स्टिल अगर आपको पता ही नहीं है स्टैटिक रैम क्या होती है किससे बनती है फ्लॉप से बनती है कि ट्रांजिस्टर से बनती है तो आप उसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे दिस इज कॉल्ड जेन्युइन फैक्चुअल गैप इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है वो होता है क्या कि आपका जो गेस्ट वर्क है वो आपके साथ काम नहीं कर रहा है या जिसको बोलते हैं ना लप्पा लगाना वो आप लोग ठीक तरीके से नहीं लगा पा रहे हो देखो लप्पा लगाने का भी एक लॉजिक होता है एक साइंस होती है इसके पीछे भी और ये प्रूवन साइंस है फैक्ट है कि, कि किस तरीके से आप एक इंटेलेक्चुअल गेस्ट वर्क कर सकते हो क्योंकि जो आपका अकेडमिक एग्जाम होते हैं जैसे कि यूपीएससी एग्जाम हो गए गेट एग्जाम हो गया यूजीसी नेट एग्जाम हो गए या इसके अलावा आप लोगों का कैट एग्जाम हो गया ये जो आप लोगों के एग्जाम होते हैं जिनके डिफिकल्टी लेवल वैसे भी ज्यादा होती है

आप लोग जो है वो सीबीटी एग्जाम नहीं देते हो और आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हो फिर एकदम से आप जब सीबीटी एग्जाम देते हो तो हो सकता है कि ऑप्शन गलत टिक करने में आ रहा है बार बार वही गलती आप कर रहे हो तो ये चीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मुझे लगता है कि एक सिली मिस्टेक वाला प्रॉब्लम होता है इसके अलावा प्रॉब्लम सिली मिस्टेक की यह भी हो सकती है कि आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो अपनी एनजाइटी के अंदर पैनिकनेस के अंदर ये भी नहीं हो सकता है, ये खुद ही हम निकाल सकते है। आप ही को पता है कि आपकी सिली मिस्टेक की क्या कैटेगरी है तो आप ही को देखना होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर निकल के आती है वो निकल के आती है ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास में ऑब्जर्वेशनल स्किल्स नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारी सिली मिस्टेक को हम ऑब्जर्व कब करेंगे जब

इंप्रूव करो और मूव ऑन करके नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती नहीं करने का एक बार डिसाइड कर लो देन <coughs> जो सेकंड प्रॉब्लम होती है वो होती है मिस रीडिंग क्वेश्चन ये मिस रीडिंग वाला प्रॉब्लम इतना ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है है कि ये सबके साथ में होता, भी होता है क्योंकि हमारा जो है, है, वो बहुत ही लैप्स चल रहा है कम के साथ में आप रीड कर रहे हो और यहां पर मैं उन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस डालने की कोशिश करूंगी जिनको एक्चुअली में हम स्ट्रेस वर्ड्स बोलते हैं जैसे कि आपको आपके एग्जाम में नॉट ओनली नेसेसरी मस्ट ऑलवेज इस तरीके जो स्ट्रेस की वर्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में और पेपर वन ही नहीं पेपर टू की भी बात कर रही हूँ।

कम रीड कर लेते हो या जो रीड करने चाहिए थे इंपॉर्टेंट वर्ड की जिनको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड जो होते हैं वो आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है तो अब इनका सोल्यूशन क्या है इनका सोल्यूशन ये है कि आप या तो टाइम देख लो या फिर क्वेश्चन देख लो थोड़ा हार्श लगेगा बट बात तो ये सच है तीन घंटे मतलब तो तीन घंटे है तीन घंटे में डेढ़ सौ क्वेश्चन करने हैं इतना भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है जहां पर मैं आपको खुद बोल रही हूं कि अगर आपके सौ से ज्यादा क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी है सौ क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन मैक्सिमम 110 क्वेश्चन तीन घंटे में सही करना मेरे हिसाब से एक टफ टास्क नहीं होगा अगर आप पेशेंस के साथ में जाओगे प्रिपरेशन के साथ में जाओगे यानी टाइम को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है आप क्वेश्चन रीड करो और रन मत करो क्वेश्चन के अंदर आराम से उसे रीड करो कोशिश करो कि वो जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आप लोग ढंग से पढ़ पाओ ये हमेशा होता 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 है 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 ये मेरे साथ भी होता है। कभी कभी अपन जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात वहां पर होती है जो छूट जाती है ज्यादातर अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा ये देख रहा है तो पिछले साल दो में तो सिर्फ और सिर्फ एमएसओ ही आए थे पेपर टू में तो आपके भर भर के एमएसओ आएंगे और लेंदी पेपर बनेगा तो लेंदी पेपर का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन स्टेटमेंट्स को रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ में हम रीड करें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है वो मिस रीडिंग का प्रॉब्लम है जो आपके साथ में होता है अब ये मिस रीडिंग जो है ये एक और प्रॉब्लम कहलाती है इसको हम एक टेक्निकल प्रॉब्लम बोलते हैं टेक्निकल ग्लिच बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अनट्रेन्ड आई देखो ये आई होती क्या है आई एक ऐसी आई को हम लोग बोलते हैं जो ये जो स्ट्रेस वर्ड्स है उनको रीड नहीं कर पाती है देखो मैं हमेशा आप लोगों का ना मजाक उड़ा देती हूँ मस्ती आप लोगों से करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप जो है वो क्वेश्चन को बहुत पॉजिटिवली लेते हो और नॉट और है ना ये तरीके के वर्ड नन वर्ड नो वर्ड ये ढंग से पढ़ते नहीं हो देखो ये मैं मजाक नहीं करती हूँ मैं ये सीरियसली बोल रही हूँ इसको हम लोग बोलते हैं अन आई जो स्ट्रेस वर्ड्स को की को नहीं पकड़ पाती है क्वेश्चन के अंदर अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन के अलावा कुछ नहीं सुधार सकता आपको बैठकर पढ़ने की आदत डालनी ही होगी और वो भी स्क्रीन के ऊपर जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह आठ से दस आठ से ग्यारह एक्चुअली आपके लिए पेपर वन के ऑलरेडी सेशन चल रहे एमसीक्यू सेशन इसी चैनल पर आप आओ आप देखो ठीक है मैं ये नहीं कहती लाइव देखो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो कोई इशू नहीं है आराम से पर देखो एक एक वर्ड पढ़ो अच्छे से कि अच्छा ये चीज लिखिए ये चीज लिखिए इम्प्रूव करने की कोशिश करो मुझे ऐसा लगता है चार से पांच बार अगर आपने ऐसा किया तो अपने आप आपकी आई जो है वो की को ढूंढने लगेगी मुझे लगता है सिलेक्शन होने वाले बच्चे में और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें सबसे बड़ी डिफरेंस ये ट्रेंड आई वाला ही डिफरेंस होता है क्योंकि वो वो चीज़ देख लेता है ऑब्जर्व कर लेता है जो चीजें शायद एक बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसने नहीं ऑब्जर्व किया होता है बाकी पढ़ा तो सबने सेम ही होता है रिमेंबर करने के ऊपर भी डिपेंड करता है देन आता है ओवर थिंकिंग करना हर कोई पेपर शुरू करने से पहले स्पेशली मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले अपने आप को एक्सपर्ट समझता है ये मुझे लगता है कि एक जेनअन एफर्ट हर बच्चा अपनी तरफ से डालता है कि मेरे को आता है मैंने इतना पढ़ लिया है मेरा ये हो गया है और इस वजह से हम क्या करते हैं हम बहुत ही ज्यादा बर्डन लेकर अपने लिए जाते हैं मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट के अंदर देखो टेस्ट होते ही इसीलिए है कि मेन एग्जाम में आप गलतियां ना करो तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो तो फिर आप मेन एग्जाम को लेकर क्या करने वाले हो तो मॉक टेस्ट रिहर्सल है रिहर्सल जितनी अच्छी होगी जितनी जेन्युइन होगी नॉर्मल होगी उतना ही अच्छा आपका एग्जाम होगा आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों है सो so आप अपने जो जो पैनिकनेस है है अपना जो ये एड्रेनल है, इसको कंट्रोल करना सीख सको ये चीज इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही लगानी चाहिए हर एग्जाम से पहले ये तो यूजीसी नेट एग्जाम है आगे आप कोई भी एग्जाम दो उसकी टेस्ट सीरीज जरूर आपको बाय करनी चाहिए जरूर उसकी टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए यहाँ पर आपका एड्रनल कंट्रोल करना आप सीखते हो ओवर थिंक नहीं करना है पहले से एक्सपर्ट नहीं बनके जाना है कि मेरे को तो ये आता ही है ये तो यही है या वो ही है या इको पे नहीं लेके जाना है कि मैंने तो मैथ्स पढ़ी थी तो मैथ्स का क्वेश्चन तो मुझे करके आना ही आना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है हाँ कोशिश करिए कि आपने जो पढ़ा है उसे आप अच्छे से अप्लाई कर सके बट दैट मीन कि आप एक्सपर्ट की तरह ही हर चीज को सोचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सबसे पहले जो आपके दिमाग में आंसर क्लिक करता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है बट क्योंकि हम ओवर थिंकिंग लगाते हैं तो फिर हम लोग कर देते हैं सारा का सारा कबाड़ा तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है कि ओवर थिंक नहीं कर रहे हो आपको लगता है कि आपने पहली बार में कोई आंसर आपके दिमाग में आया उसे आप आंसर लगा दीजिए कोई इश्यू नहीं है हाँ, कोशिश ये करेगा कि उसे मिस्री ना किया हो आपने और बस उसके आगे आप बढ़ जाइए ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि ज्यादातर जो जितना प्राइमरी रखोगे, रखोगे चीजों को है ना जितना आप लेस कॉम्प्लिकेटेड रखोगे सिंप्लीफाइड रखोगे मुझे लगता है उतना आसान होगा आपके लिए भी सिलेक्ट करना अगर आपके साथ में मॉक टेस्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सुधार लो इससे क्या होगा आपके एग्जाम के अंदर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी ये ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम राइट मैं जब छोटी थी छोटी इन द सेंस जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में थी ना तो मुझे भी मेरे फिजिक्स टीचर ने ये चीज बताई थी कि तुम जो है वो जो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आए वही तुम आंसर लगा के आओ इसका एक लॉजिक ये भी होता है कि जब आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको कुछ रिफ्लेक्ट बैक करता है क्योंकि आपने बहुत सारी पढ़ाई करी है जब आपने बहुत सारी पढ़ाई करी है ना तो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन नहीं तो ऑप्शन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि आपने उसे पढ़ा हुआ है तो सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं पढ़ा है तो वो क्या रिफ्लेक्ट बैक करता है जब उसको सिमिलर इन्वायरमेंट मिलता है जिसको हम लोग कंडीशनिंग भी बोलते हैं इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है राइट, हमने ये सारी चीजें टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ी है तो ये हमको कंडीशनिंग होती है ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि यार ये वर्ड मैंने कहीं सुना है अब वो उस वर्ड को अगर रिलेट करके आपको आंसर दे रहा है, reflect back कर रहा है है रिफ्लेक्ट बैक कर आपको रिएक्शन दे रहा है तो आपको उसकी सुननी चाहिए और करना चाहिए अब ये चीज जो है ना ये ये रिफ्लेक्ट बैक जो मैं बोल रही हूं, ये आपको कब आएगा जब आपका एड्रनल कंट्रोल में होगा है ना आप पैनिक कम होगा ओवर थिंकिंग कम होगी और आप उसके आवाज सुन पाओगे तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकता है कि थोड़ा फिलोसफिकल लगे बट ये फिलोसफिकल नहीं साइकोलॉजिकल है साइंटिफिक है कि ऐसा ही होता है आपके सबकॉन्शियस

हो सकता है कि आपको पचास टॉपिक पढ़ने थे पर आपने तीस ही पढ़े हुए हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि आपके वो बीस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन बन के आ गया तो प्रॉब्लम होगी आपके नंबर नहीं आएंगे ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है तो आपको पता है ये चीज़ तो इसको मानो और आगे बढ़ो या तो वो बीस टॉपिक आप कवर करो और फिर आप लोग मॉक टेस्ट दो या फिर आप ये कोशिश करो कि मैंने जो ये टॉपिक्स पढ़े हुए थे इन टॉपिक्स में से मैं कितना सही कर रहा हूँ ये मैं जज कर पाऊँ क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं इस एग्जाम में तो मैं इतने ही टॉपिक्स पढ़ के जाऊंगा तो फिर आप उसी अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस जज करो फिर अपने आपको डीग्रेड मत राइट right? तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेवेंटी परसेंट जो है वो आपका पेपर थर्टी परसेंट सिलेबस में से ही आता है क्या मैंने थर्टी परसेंट सिलेबस कवर किया है अब मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस मत बना लो कि मैम एक मॉक टेस्ट के अंदर जो है वो उस थर्टी परसेंट में से या उस 70 में से पेपर बन गया था तो वो थर्टी परसेंट क्वेश्चन के बिहाफ पर ना हम अपने आप को जज करने लगते हैं हर हर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है अब ऑब्वियसली जिसने जैसे मैंने दस मॉक टेस्ट बना रखे हैं आप लोगों के लिए राइट तो आप सब लोगों को पता है साढ़े सात सौ रुपए आपने पे किए हैं आपने मॉक टेस्ट लिया है टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो अब मैंने जो बच्चे के लिए दस मॉक

सारे के सारे मॉक टेस्ट सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो और क्या ऐसा है जो पूछा जा रहा है क्या उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल गैप है हाँ बट अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है कि मैम मैंने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ रिसर्च अब टाइप्स ऑफ रिसर्च का कोई क्वेश्चन आया तो वो मेरा गलत हो गया अगर ये आपके साथ में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ है और अगर रिवाइज किया हुआ है तो आप अच्छे से उसकी एप्लीकेशन नहीं लगा पा रहे हैं दोनों ही चीजें जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है तो इसके लिए कर क्या सकते हैं आप लोग इसलिए कर सकते हैं अच्छे से अपनी रिवीजन को राइट तो रिवीजन पैटर्न तो को इंप्रूव करेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद में आता है पुअर लप्पा वाला केस अब देखो ये पुअर लप्पा वाला केस तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये चीज करते हैं स्पेशली अगर किसी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो हम हंड्रेड परसेंट ये चीज करते ही करते हैं जैसे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब पुअर वर्क जो होता है वो होता है पुअर गेस वर्क ये इसलिए होता है कि हम जो है अगेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं सुन रहे हैं जो हमको पहले लगता था वो चीज हम ठीक से नहीं कर रहे हैं और एक जो मेजर प्रॉब्लम मॉक टेस्ट में मुझे लगता है बच्चों के बीच में हो रही है वो ये होती है कि मॉक टेस्ट में अगर आपका लप्पा नहीं लगा या आपने लप्पा लगाए थे मॉक टेस्ट के अंदर और फिर आपके नंबर नहीं आए तो फिर आप डिस्करेज हो जाते हो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है मेरे से तो कुछ भी नहीं होने वाला है मैं तो बिल्कुल ही जा रहा हूं अगर ये आप सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि आपके साथ में फिर से गलती हो रही है लप्पा लगाने की एक साइंस होती है कि आपको वही बात सबसे पहले जो आपको लगता है कि सही आंसर है उसे आप लोग चूज करिए इंटेलेक्चुअली आप चूज करिए सबकॉन्शियस माइंड को लिसन करिए पर लप्पे के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट के नंबर को जज करके ये मत सोचिए कि मेरे ज्यादा आए या कम आए आप अपने आप से जितना ज्यादा ऑनेस्टी रखेंगे उतने ही ज्यादा नंबर है जो आप लोगों के बनने के

हर पेपर को ओवर मत करिये, करिये, और फिर पे चल रहे टेस्ट सीरीज आपने ले ली है आपने दे दिए उन दस टेस्ट को दोबारा दीजिए एनालाइज करने के बाद और फिर जज करिए क्या मैं इंप्रूव हुआ हूँ या नहीं हूँ हंड्रेड परसेंट आप इंप्रूव करेंगे अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एफर्ट आ, सही लगा होगा अगर आपकी ये चीज हेल्प करती है तो जरूर बताइएगा मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय बाय एंड गुड लक